नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। कोरोना काल के दौरान कुछ लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना जनता को घर बैठे पूरी सुविधाएं मुहैया करवाई और सरकार द्वारा ऐसे लोगों को कोरोना योद्धा का नाम देकर उन्हें पूरा सम्मान भी दिया गया, परंतु उन्हीं योद्धाओं के साथ अब अन्याय हो रहा है। उन्हें आज बेरोजगार तक कर दिया गया है। यहां आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान राज्य व केंद्र सरकार के द्वारा नीट ऑन व्हील्स तथा डेली एप्लीकेशन तैयार करवाई गई थी, जिसके माध्यम से लोगों को सभी सुविधाएं दी जा रही थी और यह एप्लीकेशन देश के प्रत्येक राज्य में लॉन्च की गई थी। हरियाणा में भी इसकी सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया था और प्रदेश के लोगों को घर बैठे इस कंपनी के कर्मचारी प्रत्येक सुविधा अपनी जान जोखिम में डालकर प्रदान करवा रहे थे। लेकिन आज वही कर्मचारी सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए हैं, जिसका कारण है गत करीब 4 माह से उन्हें वेतन ना मिलना। कर्मचारियों ने जब इस संबंध में कंपनी मालिकों तुषार और मानव से तथा अधिकारियों धीरेन्द्र व कुणाल से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, जो करना चाहते हो कर लो। कर्मचारियों का कहना है कि इन लोगों से बार बार निवेदन करने के बाद भी इनके सेहत पर कोई असर ही नहीं पड़ा और उन समेत वे जहां से सामान खरीद कर लाते थे उनके पैसे मिलाकर कुल करीब 15 लाख रुपए कंपनी की तरफ बकाया है। कर्मचारियों का कहना है कि अब वह अपने हक के लिए डीसी करनाल से मुलाकात कर अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए उनसे गुहार लगाएंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में चुनाव के दौरान वर्तमान सरकार के नेताओं ने यह घोषणा की थी कि हम प्रदेश के लोगों को बेरोजगार नहीं रहने देंगे तथा साथ ही 75% प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की बात तक कही गई थी। लेकिन आज प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना तो दूर, उन्हें बेरोजगार कर भूखे मरने के लिए छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि एप्लीकेशन की लॉन्चिंग राज्य सरकार की तरफ से करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव ने की थी। अब यहां देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इन कर्मचारियों के हक में क्या कार्यवाही करती है। कर्मचारियों से मुलाकात के दौरान क्या डीसी इनकी समस्या का निवारण करेंगे या नहीं? आखिर कब तक प्रदेश का युवा रोजगार के अभाव में ऐसे पिसता रहेगा? देखिए एक रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और अभी समय देख रहे समाचार से मैं आपको बता दूं कि इस समय मौजूद हूं करनाल के मुगल कनाल के पास मच्छी मार्केट के पास। मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन के दौरान सरकार के द्वारा नीड्स ऑन व्हील और लोकली ऐप डाउनलोड करवाई गई थी ताकि लोगों तक लॉकडाउन के दौरान जो जरूरत डेली नीड की चीज़ें हैं वो उन तक पहुंच सकें। सरकार द्वारा ये सुविधाएं और ये ऐप तो उपलब्ध करवाई गई, लेकिन बावजूद इसके क्या हुआ, जिन कर्मचारियों ने इस कंपनी में काम किया, जिस कर्मचारियों ने लोगों तक सामान पहुंचाने का काम किया, उनके साथ क्या हाशिर हुआ, उनकी तनख्वाह मिली या नहीं मिली, आज तक उनका भुगतान हो पाया नहीं हो पाया, वो लोगों तक सामान पहुँचाते रहे बदले में उनको क्या मिला, इस बारे में जानकारी मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड निकल कर सामने आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये सरकार राज्य सरकार नहीं केंद्र सरकार द्वारा भी ये ऐप जारी की गई थी, जिसमें नीड ऑन व्हील्स मतलब कि नीड्स ऑन व्हील का मतलब आप समझ सकते हैं और इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि लोकली का मतलब ये था कि अगर आपको लोकल के सराउंडिंग एरिया में सामान की ज़रूरत है तो आप तक सामान पहुँचा देंगे। नीड्स ऑन व्हील मतलब कि आपको पहियों के माध्यम से आप तक लॉकडाउन के दौरान आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, आप तक सामान जरूरत का सामान है वो मुहैया करवाया जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने यह सुविधाएं लॉकडाउन के दौरान लोगों को प्रदान की, अगर हम उनको कोरोना योद्धा भी कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जब एक आदमी घर से बाहर निकलने से डर रहा था तब ये लोग ऐसे थे कि वो लोग घर से बाहर निकल कर लोगों को जरूरत का सामान मुहैया करवा रहे थे। लेकिन मैं आपको आश्चर्य की बात सबसे बड़ी यह है कि आज तक इनको उनकी सैलरी का भुगतान नहीं हो पाया। मेरे साथ बात करने के लिए उस टीम के बड़े सारे लोग मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? सर राहुल। पार्डन सर, राहुल नाम है सर मेरा। राहुल जी, ये क्या था पर्पस और सर किसने रखा? सर, यहाँ पे हमारी कंपनी थी जो ऑनलाइन ग्रोसरी कंपनी होती है जैसे फूड डिलीवरी, तो हम यहाँ पे ज्वाइनिंग की थी हम सब ने, तो मैं यहाँ पे एज ए मैनेजर था यहाँ पे, तो उसके बाद हम 8-10 लोग काम करते थे यहाँ पे,
तो जुलाई के बाद हमारी सैलरी नहीं आई। जैसे हम सैलरी की बात करते थे तो हमें बोलते थे भाई काम नहीं चल रहा है, काम दे देंगे, सैलरी दे देंगे, और अभी भी कॉल करते हैं तो मतलब लारेबाजी आती है अंदर से। सर, इसका विधिवत उद्घाटन जो किया गया था वो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किया गया था, करनाल में उपायुक्त निशांत कुमार यादव के द्वारा किया गया था। सर, जो उस समय आपको क्या तो बताया गया था कि आपको क्या मिलेगा और कितना मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा? सर, यहाँ पे सर हम सब की सैलरी होती थी, जो हम अपने स्टाफ में थे हमारी मंथली सैलरी होती थी, और जो हमारे डिलीवरी काम करते उनके उनकी वेज होती थी वीकली के हिसाब से, तो उनके पैसे रुके हैं और हमारे रुके हैं, सभी के रुके हुए हैं। तो जो ये लॉन्च की थी, जो जिन्हें प्रमोट किया था हमारे निशांत सिंह यादव जी, जो डी जी साहब हैं, उन्होंने की थी, तो ये सोच के हम यहाँ पे लगे थे मैं, चलो हमारे डी जी साहब लॉन्च किया तो हम भी कुछ सेवा करेंगे अपने करनाल वासियों की, और हमें भी पे मिलेगा, हमें भी अपने घर भी चला सकेंगे, क्योंकि लॉकडाउन में पास जॉब नहीं है, वो पता ही है सबकी जॉब चली गई थी, तो हम यहाँ पे जॉब कर रहे थे। उन्होंने हमें बहला फुसला के कुछ दिन तक हमारा एक महीना रखा, दो महीने रखे, तीन महीने रखे, आज हम लोगों को चार महीने हो गए हैं, हमारी सैलरी नहीं मिल रही है। लास्ट में आगे हमें क्या किया, ऑन द स्पॉट सबको मना कर दिया, भाई आप घर जाओ और जब काम चलेगा तब वापस आ जाना। और अब हमें सुनने को क्या मिला है मार्केट से, क्या ये सामान उठा के यहाँ से जा रहे हैं? सर, आप किस किस तरह का सामान सप्लाई करते थे लोगों के घरों में? सर, यहाँ पे होता था ग्रोसरी का होता था, वेजिटेबल होती थी, और ऑनलाइन जो फूड होता है जैसे अपने स्विगी जोमेटो है, ऐसे लोकली कंपनी देने की यहाँ पे। सर, जिसी का मान लो किसी के घर से कॉल आती है जी, तो आपको उनके घर में जाकर सामान देना होता था? जी, ये कॉल नहीं आती सर, वो पे एक ऐप होता है हमारा, जो ऐप पे ऑर्डर आता था और हम उसको ऐप पे ऑर्डर आने के बाद तैयार करके घर दे के आते थे। राहुल जी, आपके अंडर कितने वर्कर काम करता था? सर, मेरे अंडर में मेरे साथ जो स्टार्टिंग में 70 बंदे काम कर रहे थे, फिर उसके बाद 30 रह गए, फिर 20 रह गए, और हम 10 बंदे रह गए थे अभी लास्ट में। सर, कितने महीनों से आपको सैलरी नहीं? चार महीने की सैलरी जाती है सर हमारी। तो आपने कभी डीसी साहब से बात करने की कोशिश की? सर, मैंने कोशिश की है, हमने एक हमारे साथी थे हमारे जो एम्प्लॉय थे मिस्टर मयंक बंसल, उन्होंने FIR भी की थी अपने सिटी थाने में, बट उनको उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला, उनको ये बोल के तला दिया गया भाई बड़ी कंपनी है हम हाथ नहीं पाते वगैरह वगैरह, और हमें प्रोजेक्ट देखे तुम मत करना, अब वो बंदे उससे बात भी कर लो, यहाँ मौजूद है हमारे पास, उससे ही बात कर लो। जो आपके सीनियर है जिन्होंने आपको एश्योरेंस दिया था कि आपकी सैलरी आ जाएगी, या जिन्होंने की अंडर आप काम करते हैं, उनका नाम क्या है? सर, धीरेन्द्र नाम था उनका, धीरेन्द्र और ये कुणाल। धीरेन्द्र जी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, कुणाल भी दिल्ली से बिलोंग करते हैं। धीरेन्द्र तो दो महीने पहले यहाँ चले गए थे कुछ बहाना मार के, कोरोना वगैरह का बहाना चले गए थे यहाँ पे। अब यहाँ पे कुणाल है, और एक लड़का है यहाँ पे मानव संदूजा के नाम से है, वो पहले जोमेटो में काम करता था, अब ये इसमें आया था। वो क्या कर रहा है, वो सारा गेम वही खेल रहा है। सबको हम आते थे यहाँ पे तो अपना शटर डाउन कर देता था, और शटर डाउन करने के बाद हम फोन करते थे, उठाते नहीं थे, आज तक हमारा फोन उठाते हैं, और जब हमें पता लगा ये सामान उठा के भाग रहे हैं तो हम यहाँ पे इकट्ठे हो गया। सर, आप देख सकते हैं कि ये राहुल जी हैं जिन्होंने जिस तरह से बात करने की हमारे साथ बात की, कि जिस तरह जब लॉकडाउन के दौरान सर प्रशासन के द्वारा ऐप डाउनलोड किए ताकि लोगों को उनकी जरूरत की सुविधाएं, जरूरत का सामान तुरंत उपलब्ध हो सके, उन कोरोना योद्धाओं की सैलरी पिछले चार महीनों से नहीं मिली, और जो इनके सीनियर थे अब वो फरार हैं। पुलिस द्वारा कंप्लेंट करने के बाद, पुलिस को कंप्लेंट करने के बाद उनको जवाब ये मिलता है कि वो बड़ी कंपनी से, इसलिए हम उन पर हाथ नहीं डाल सकते। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि करनाल के ऐसे योद्धा जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की सेवाएँ की हैं, जिन्होंने अपने जीवन को खतरे में डालकर लोगों के घर तक जरूरत का सामान उपलब्ध कराया, उनकी पिछले चार महीनों से सैलरी नहीं मिली, और सैलरी के बावजूद मैं आपको बता दूं, प्रशासन से गुहार लगवाने के बावजूद भी उनको कुछ भी आश्वासन नहीं मिला, और अब वो पिछले कई महीनों की सैलरी से रुके हुए हैं। सर, आप भी इसी कंपनी से बिलोंग करते हैं? हाँ जी सर। आपका नाम क्या है? मेरा दर्शन मदान। सर, आपकी सैलरी कितने टाइम से रुकी है? मेरी दो महीने से रुकी हुई है। दो महीने से रुकी? हाँ जी। तो सर, अब आप क्या चाहते हैं? जो आपके सीनियर हैं वो तो हम नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं। दिल्ली से दिल्ली चले गए। हाँ जी। प्रशासन आपका जवाब नहीं दे रहा। हाँ जी। पुलिस वाले आपको जवाब नहीं दे रहे। हाँ जी। तब आप क्या रुख अपनाना चाहते हैं? अब मानव सर से मेरी बात हुई थी, मानव संदूजा जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहने लगा भी पहले तो मेरे को लारा लगाया भी दिवाली के बाद दिलवा देंगे, 25 तारीख को दिलवा देंगे, 25 को। सर, मानव संदूजा कौन है? मानव संदूजा इस समय न्यू जॉन व्हील को चला रहे हैं। बंदा खुद को अपना यहाँ का ओनर बताता है, जो मार्केट से बात पता लगी। सर, ये मानव संदूजा नाम करके कोई आदमी है जो आज की डेट में इस ये अपने आप को मालिक बताता है, लेकिन लारे के अलावा और कुछ नहीं दे रहा। इनकी सैलरी जो लोगों के घरों तक कोरोना काल के दौरान सामान पहुंचाते रहे, उनकी सैलरी आज तक नहीं मिली, लारे पे लारा देता रहा। सर, मानव संदूजा के साथ आपकी बातचीत हुई अभी लेटेस्ट में, उस व्यक्ति ने अब आपको क्या लारा दिया? अभी मेरे को पहले उन्होंने कहा था भी आपको दिवाली से पहले मेरी बात हुई थी, तो कहते थे 25 तारीख को हो जाएगी सैलरी आपकी, फिर 25 को मैंने फ़ोन किया तो फिर कहने लगे 27-28 को होएगी, फिर 27-28 को मैंने फ़ोन किया तो फिर कहते हैं कि आपसे जो बन पड़ता है आप कर लो। सर, आप सुन सकते हैं इनके माध्यम से
ये मदान साहब हैं, इनके माध्यम से आप सुन सकते हैं कि ये बता रहे हैं कि माना संदूजा ने क्लियर कट कह दिया कि आपसे जो बन पड़ सकता कर लो। पहले 3 तारीख की थी, 3 तारीखों के बाद क्लियर कट ये कह दिया कि आपसे जो बन सकता हो वो कर लो। सर क्लियर कट करने के बाद उन्होंने सैलरी के लिए कुछ बोला कि नहीं बोला? कुछ भी नहीं बोला। क्या यही बोला कि जो बन सकता हो? फोन पे ही मेरी बात हुई थी और फोन ही काट दिया, फिर उसके बाद बात ही नहीं। सर बात करने के बाद फोन काट दिया, क्लियर कट ये कह दिया कि जो आपसे बन सकता हो कर लो, जो हमें करना होगा हम वो कर लेंगे। मेरे साथ और भी सर, आप बताइए। सर एक्चुअली मैं भी यहाँ पर बेसिकली असिस्टेंट डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर था, तो यहाँ पर मतलब मेरी भी 3.5 महीने की सैलरी रुकी है, ठीक है। तो हमें मतलब राहुल और मेरे को जो है यही लारे दिए जा रहे थे कि भाई अभी इस मंथ दे देंगे, उस मंथ दे देंगे, ठीक है। अभी उनका एक मतलब किसी एरिया में कोई फ्लैट का वो बहाना बनाते थे कि वो बिकेगा, ठीक है। एक बहाना उनका ये था कि भाई फंडिंग कहीं से अरेंज कर रहे हैं हम लोग, तो जैसे ही वो फंडिंग आएगी तो हम आपको जो है सैलरी पे कर देंगे। सर एक चीज़ बताइए, आप एक चीज़ बताइए, आपने जॉब को ज्वाइन किया, आपने जॉब की, कोरोना काल में लोगों तक सामान पहुंचाया, जिस दौरान लोग घर से निकलने से बाहर डरते थे, आप लोगों ने कोरोना योद्धा के तरह घर तक सामान पहुंचाया, आपने किसके विश्वास पे ये कदम उठाया? सर एक्चुअली मैं यहाँ पर जब जो आया था दिसंबर में आया था, बेसिकली ये जो कंपनी चल रही थी वो आई थिंक सेप्टेम्बर या नवम्बर से चल रही थी, तो मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया था, तो मैं इनके साथ पहले से जुड़ा हुआ था, ठीक है। पहले भी सैलरी ऊपर नीचे होती थी बट ठीक है, आ जाती थी, ठीक है। बट लॉकडाउन में इनका जैसे काम चला तो पुरानी सैलरीज भी दी, तो वो ट्रस्ट बन गया एक। और फिर ये भी था कि भाई चलो लोगों की सेवा का काम है तो हम लोग करते हैं भाई, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली हम लोग वहाँ पे सारा मैनेजमेंट का देखते थे, राहुल और मैं सारा मैनेज करते थे। फिर इनकी धीरे धीरे से जब मतलब इन्होंने वेंडर्स के भी पेमेंट मारी, ठीक है, जो जो इनके फ्रूट वेजिटेबल के वेंडर थे वो बेसिकली वहीं पर बैठे हैं, सागर जी और रमन जी, ठीक है। और यहाँ पर एक ये विकास जी हैं, इनके भी पेमेंट मारी है, तो लगभग 5.5-6 लाख रुपए तो टोटल इन 3 बंदों के हैं। सर मैं आपको एक बात मोटी सी बात बता दूं कि इन्होंने सिर्फ इनकी नहीं वेजिटेबल वेंडर्स की, गरीब लोगों की भी जो है, गरीब लोगों का भी पैसा मारा है। लेकिन अब विश्वास किस पे किया जाए, ये जो बात है वो गौर करने लायक होगी। सर एक चीज़ बताइए। हाँ जी सर, आपकी कितना मेरी पर्सनली 50,000 मेरी सैलरी रुकी हुई है सर। अगर हम टोटल आपके ग्रुप की बात करें तो कितनी सैलरी हो? 5-6 लाख नहीं, कम से कम 8 से 10 लाख रुपए, क्योंकि जो लोकली ऐप है उसने सारे रेस्टोरेंट का एक एक रेस्टोरेंट का पैसा भी मार रखा है, 2,000 किसी के, 10,000 किसी के, 4,000 ऐसे करके छोटे छोटे अमाउंट, तो वेंडर्स के मिला के, रेस्टोरेंट्स के मिला के, राइडर्स के मिला के, तो टोटल 15-1 लाख के करीब का बजट बन रहा है। तो सर अगर हम बात करें आज आप किस लिए एकत्रित हुए? सर आज क्या हुआ, हमें पता चला मार्केट में, हमारे बिहार उन्होंने बताया किसी ने भी, तो मुझे पता लगा यहाँ से सामान लेके जा रहे हैं। कौन जा रहा है? जो कंपनी का उसका भाई था, जो कंपनी का मालिक है उसका नाम तुषार है, तुषार और मानव संदूजा, ये दो लोग, मानव संदूजा संदूजा जो रामनगर में रहता है, मानव संदूजा, वो दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ से सामान उठा के जा रहे हैं चुपचाप से। मुझे पता लगा, मैंने सबको फोन किया, मैंने भाई अगर ये चले गए, जब मेरा फोन उठा रहे हैं मौजूदा होते हुए, अगर वो सामान ढाई चले गए तो हमें तो पता नहीं कहाँ जाएंगे वो, हमारे फोन तो उठाते नहीं है वो। और हमने थाने में गुहार लगाई तो वहाँ से भी हमारा कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, तो हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं। मेरी विनती पूरे कदालवासी से ही है, इसको ज़्यादा शेयर कीजिए और सबकी सैलरी दिला दीजिए। और जो हमारे डीसी साहब हैं जिन्होंने लॉन्च की थी, हम कल उनके पास जाएंगे तो हम ये चाहते हैं हमारी सैलरी दिलाया जाए और हमें हमारा पेंट छुड़ाया जाए इससे। सर आप देख सकते हैं किस तरह से एक नया फ्रॉड करनाल में सामने आया है, जिसका उद्घाटन भी करनाल प्रशासन के द्वारा किया गया था, जिसमें कर्मचारियों ने नीड्स ऑन व्हील और एक अन्य ऐप के माध्यम से लोगों को लॉकडाउन के दौरान जरूरत की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए घर तक जाने का पर्याप्त प्रबंध किया था। लेकिन मानव संदूजा और उसके कुछ जानकार और उसके कुछ साथी जो कि करीब, अब मानेंगे हम बताना चाहेंगे इनके माध्यम से, करीब 15 लाख रुपए इन लोगों की सैलरी के साथ साथ रेस्टोरेंट के पैसे मारे गए हैं। इसके अलावा जिनसे सब्जियां और जरूरत का सामान खरीदा गया था उनके भी पैसे मारे गए हैं। अब इन सभी कर्मचारियों का यही निवेदन है करनाल प्रशासन से कि इनको न्याय दिलवाया जाए। और कल इनका प्रोग्राम ये है कि कल ये सुबह डीसी साहब से मुलाकात करेंगे और न्याय की गुहार करेंगे, और हम भी समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से यह गुहार लगाना चलाएंगे कि इनको जल्द से जल्द न्याय मिले और जो भी दोषी व्यक्ति है उसको उसकी सजा मिले। मैं तरुण प्रधान, सीनियर कैमरा पर्सन समाचार एक्सप्रेस के लिए, सनी चौधरी के साथ समाचार एक्सप्रेस के लिए, धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden,
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.